तैयारी दौड़ रहा था, जैसे कि आज मुझे काफ़ी समय बाद विगिन इंडिया में आने का मौका मिला। विगिन इंडिया का पहले मैंने कार्ड ले रखा था और उसके बाद मेरी हेल्थ काफ़ी ठीक हो गई थी, तो विगिन इंडिया के वहाँ पर जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर विगिन इंडिया की होनर मैडम है जो यहाँ पर है, और पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो हमारे उत्तरांचल के मुख्यमंत्री हैं। तो ये मैं इन मैडम के जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, इन मैडम के हस्बैंड हैं यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी, उनके पीएपी असिस्टेंट हैं, ये विगिन इंडिया का ऑफिस है। तो यहाँ पर कुछ विगिन इंडिया में प्रोग्राम हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आ गए, और यहाँ पर भी विगिन इंडिया का, ये विगिन इंडिया का, और ये हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हो तो स्वास्थ्य तो नहीं है, है? तो जो भी है हमारे एक गढ़वाल के तरफ से आते हैं मंत्री, वो भी यहाँ पर है, तो स्वास्थ्य मंत्री। तो हमारे विगिन इंडिया में जैसे काफ़ी सारे लोग हैं और अपनी थेरेपी ले रहे हैं, काफ़ी बढ़िया से थेरेपी ले रहे हैं। और आप भी आज बाहर कौन सा थर्सडे, आज 25 तारीख थर्सडे है और काफ़ी बढ़िया सा है, लोग वो ले रहे हैं, तो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। और ये एक मैम चिंग कोंग मैडम है, तो यहाँ पर हाँ, तो काफ़ी मैडम है जी। अच्छा, और आपका नाम चुंग सिंह जा, तो है। और बारिश हो रही है, काफ़ी बढ़िया सी बारिश हो रही है, और तो बारिश हो रही है, काफ़ी बढ़िया से बारिश हो रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया से बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छे सा व्यू है। और थोड़ा सा मैं इसको छत से दिखाने के लिए मैंने परमिशन ले रखी, तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, तो आप भी इस बारिश को देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी सी बारिश हो रही है, और यूँ करके काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही है। और बारिश में तो मैं अब ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, जैसे विगिन इंडिया का हमारा ऑफिस है, तो मैंने वो मैडम से पूछा कि थोड़ा सा ऑफिस दिखाता हूँ, वो बोला अंकल जय श्री राम, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो बारिश के उसमें काफ़ी अच्छी, तो काफ़ी बढ़िया सा है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया सेलिब्रिटी है, काफ़ी बढ़िया से उन्होंने भी अपना वो करा हुआ, और यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया से कुछ, तो काफ़ी अच्छी सी बारिश हो रही है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से जो दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी सी बारिश है, बारिश काफ़ी बढ़िया से लग रही है, और काफ़ी बेहतरीन बारिश जो आ रही है, तो काफ़ी बेहतरीन बारिश है, और बारिश काफ़ी बढ़िया सी है, और काफ़ी बढ़िया से बारिश है, और तुलसी के काफ़ी बढ़िया से, जैसे मैंने बताया कि राजधानी नर्सरी में जैसे ये तुलसी के पौधे मिलते हैं, और मिलते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया सा तुलसी की स्थापना करी हुई है, और काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर बारिश ये दिखा दो मैं आपको, क्या बढ़िया। तो इसमें क्या हो सकता है कि जल चढ़ रहा है, तो जल काफ़ी बढ़िया सा बारिश हो रही है, और काफ़ी बढ़िया सा ये देख सकते हैं आप, तो काफ़ी बढ़िया सा है। और क्लाइमेट में देख सकते हैं, मैं इस क्लाइमेट में कितना खुश हूँ, और आप भी इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको भी काफ़ी बढ़िया लगेगा, तो काफ़ी बढ़िया सा है, और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ये लड़की यहाँ पर है, तो काफ़ी बढ़िया से है ये दिखा, तो काफ़ी बढ़िया सा है, और काफ़ी बढ़िया से बारिश होने में, काफ़ी बहुत बेहतरीन बारिश हो रही है, और इस बारिश में आप जानते ही हैं कि बारिश में एक तरह का हमारे उसमें जो सैनिटाइज़र होता है जो हम लोग छिड़कते हैं, तो अगर ये बारिश, हम भगवान से बोलते हैं कि वो डेली हो जाए बारिश, तो हमें सैनिटाइज़र लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सैनिटाइज़र के बदले ये बारिश सैनिटाइज़र का काम कर देती है, जो सैनिटाइज़र से हमें फ़ायदा होना हो ये बारिश कर देती है फ़ायदा। तो इस तरह की काफ़ी बढ़िया सी बारिश है,
और काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है हमें, काफ़ी बढ़िया सा है और लोग भी काफ़ी खुश हैं और पीपल भी काफ़ी खुश हैं। और अब जिम भी है और काफ़ी बढ़िया सा है और काफ़ी बढ़िया से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी बढ़िया से लोग अपने काम काज कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया बढ़िया से उधर और काफ़ी बढ़िया बढ़िया से मैं दिखाता हूँ। छोटे छोटे घरों में ना राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए हैं, तो घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगना बहुत अच्छा होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है कि सभी घरों में इस समय तक तो मतलब मिनिमम घरों में लग चुके हैं। तो अब जो घरों में बचे हुए हैं राष्ट्रीय ध्वज, वो मेरे ख्याल से देखो वहाँ भी लगा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज। अब घर भी है, शॉप भी है, लेकिन लगी हुई है। घर में भी राष्ट्रीय ध्वज है जहाँ पर वो है, और वो सामने पे वो सामने पे भी लगा हुआ राष्ट्रीय ध्वज, वो सामने पे भी लगा हुआ, वो सामने पे लगा हुआ, फिर यहाँ पे वो सामने पे लगा, फिर वो सामने पे लगा हुआ, वो सामने पे, वो सामने पे, वो सामने पे राष्ट्रीय ध्वज मतलब छा रहा है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है ये सामने पे भी लगा हुआ, ये सामने पे राष्ट्रीय ध्वज बहुत बढ़िया सा, राष्ट्रीय ध्वज का एक बहुत बढ़िया सा देख सकते हैं आप जश्न।